सबसे पहले हम बनाएंगे इनर रिंग। इसके लिए सेलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन स्केच। सबसे पहले तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन पॉइंट के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन का मिड पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट की दबाकर। मेक रिलेशन कोइंसिडेंस ओके। एक और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकल लाइन। इसे वर्टिकल कर लेंगे ओके। अब सिलेक्ट करेंगे एक सेंटर रेक्टेंगल और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सिंपल सा। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, लेंथ रखेंगे 62 mm, सेंटर लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस रहेगी 50 mm और सेंटर लाइन से ऊपर वाली लाइन की डिस्टेंस रहेगी 74 mm। ओके। अब एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, सेंटर पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन के वर्टिकल एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, इस आर्क की रेडियस को हम रखेंगे 24 mm। और आर्क का सेंटर पॉइंट इस लाइन से रहेगा 16 mm की डिस्टेंस पे, 16 mm। ओके। गैप आ रहा है तो इसके लिए हम जाएंगे टीम एंटिटीज में, सिलेक्ट करेंगे एक्सटेंड एंटिटीज। इस आर्क को सेट करेंगे तो ये लाइन वहाँ तक टच हो जाएगी जो ऊपर लाइन है, और ये अनवांटेड लाइन है जिसको हम रिमूव करने के लिए ट्रिम एंटिटीज पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू क्लोज सेट, इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ओके। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, मेक इक्वल ओके। तो ये हमारा स्केच है। अब जाएंगे फीचर्स में और इसको रिंग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवॉल्व बॉस बेस यूज करेंगे। तो रिवॉल्व बॉस बेस क्लिक करेंगे और इस सेंटर लाइन क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा ओके। तो ये हमारी इनर रिंग है, इसको हम फिलेट कर लेते हैं। फिलेट इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिलेट करेंगे 3 mm ओके। इसको हम सेव कर लेंगे। इसको सेव कर लेंगे। न्यू फोल्डर बना लेंगे एक बियरिंग। ओपन कर लेंगे इसको, आर्क का नाम लिख देंगे इनर रिंग। न्यू पार्ट ड्रॉ करने के लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे स्केच। इस बार हम ड्रॉ करेंगे आउटर रिंग, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ओके। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंस ओके। अब एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे,
और इसकी लेंथ और है 62 mm। और ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 106 mm। और इस लाइन की हाइट रहेगी 130 mm। ओके, अब एक यहाँ पे आर्क हम ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट आर्क। ओके, स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, आर्क का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। डिस्टेंस 16 mm और आर्क की रेडियस 24 mm। ओके, ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे, एक्स्ट्रा जो हो रहा है इसको ट्रिम कर लेंगे और इसको भी ट्रिम कर लेंगे। ओके, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मेक लेसन इक्वल। ओके, तो ये स्केच है, इसको अब हम रिवॉल्व बॉस बेस करेंगे। फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व बॉस बेस, सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये आउटर रिंग है, इस सरफेस को हम चैम्पर कर लेते हैं। फिलेट में जाएंगे, चैम्पर चूज करेंगे, 3 mm का चैम्पर रहेगा। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक क्लियर सिलेक्शन। इस फेस को सिलेक्ट करना है आपको। इसको हम सेव कर लेंगे आउटर रिंग। फिर से फाइल में जाएंगे, न्यू पार्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, यूनिट रखेंगे मिलीमीटर। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। इस बार हमें बॉल बनाना है तो इसके लिए हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। कर्सर ऊपर ले जाएंगे, वापस उस पॉइंट पे लाएंगे तो फिर से हमें एक आर्क बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो हम हाफ सर्कल बना लेंगे। ओके, इस लाइन का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबा के ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, मेक कोइंसिडेंस। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे और इस लाइन की लेंथ को रखेंगे 48 mm। ओके, अब जाएंगे फीचर्स में, रिवॉल्व बॉस बेस। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये बॉल बन जाएगा। ओके, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे बॉल। यूनिट मिलीमीटर ही हमेशा रखेंगे। फ्रंट प्लेन स्केच, एज को बनाने के लिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से। लेफ्ट सर्कल, दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर रखेंगे 188 mm और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर रखेंगे 172 mm। ओके, अब जाएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। कंडीशन मिड प्लेन रखेंगे और इसको 32 mm तक एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके,
इस फेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच नॉर्मल टू, प्लेन वाइट कर लेते हैं, विजुअल सही आएगा। अब फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस सेंटर पॉइंट से फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे और इस सर्कल का डायमीटर रखेंगे 180 मिलीमीटर। ओके, अब सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन। ओके, फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और वापस जाएंगे तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सिलेक्ट करके एग्जिट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे और इस हाफ सर्कल का रेडियस रखेंगे 24 mm। ओके, अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मेक रिलेशन कोइंसिडेंस। ओके, सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, मेक कोइंसिडेंस। ओके, तो आप फिर से हम जाएंगे फीचर्स में और इसको हम रिवॉल्व कट करना है, तो रिवॉल्व कट सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस फेस पे कट हो गया है। अब हम करेंगे फिलेट, फिलेट में जाएंगे, इन दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे और फिलेट 2 mm का फिलेट रखेंगे। ओके, अब हमें इस रिंग के चारों तरफ बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे सर्कुलर पैटर्न में, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। इसके पहले हम टेम्पररी एक्सिस शो कर लेते हैं। ओके, और इस एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो 360 डिग्री में 7 कट लग जाएंगे। अब हमें केज बनाना था, इसके लिए हम फिर से सेल चूज करेंगे, 3 mm करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, बैक सिलेक्ट करेंगे और इनर फेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, थिकनेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द मिनिमम रेडियस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक केज है, हम थोड़े से साइड कर लेते हैं। अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच नॉर्मल टू, तो हमें यहाँ पे एक होल बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केच शो कर लेते हैं पहले, सेंटर लाइन चूज करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, सर्कल, सर्कल सिलेक्ट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे और इस सर्कल का डायमीटर रखेंगे 4 mm। ओके, फिर से स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, सर्कल की डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए इस सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और एंगल रखेंगे 360 by 14। ओके, ओके, और हमें चारों तरफ बनाना है, तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे लीनियर स्केच पैटर्न और सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न,
इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ सर्कल 7 रहेगा। ओके, तो ये 7 सर्कल बन गए हैं। फिर से इस फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट सिलेक्ट करेंगे। इसके इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, कट कर लेंगे थ्रू ऑल। ओके, और स्केच को हाइड कर लेंगे। कंट्रोल प्लस 7 दबाएंगे। ओके, इसको हम सेव कर लेंगे पेज। अब हम इनको असेंबल करेंगे, तो असेंबल करने के लिए फिर से न्यू पार्ट में जाएंगे, असेंबली ओपन करेंगे। ओके, यूनिट चेंज कर लेंगे। तो पहले पार्ट ड्रैग कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे आउटर रिंग, कंट्रोल भी दबाएंगे, इनर रिंग, केज, बाल ओपन करेंगे। ये हमारा बॉल है, ये केज है, इनर रिंग और आउटर रिंग। यूनिट चेंज कर लेंगे मिलीमीटर। इस बॉल को हम फ्लोट करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। चलिए फिक्स किसी को नहीं करते हैं, सबको फ्लोट रहने देते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे मेट और आउटर रिंग के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। मेक कोइंसिडेंस कोसेंट्रिक। ओके, इसको साइड कर लेते हैं। अब फिर से मेट में जाएंगे और चूज करेंगे एडवांस मेट, एडवांस्ड वेट मेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आउटर रिंग के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और अपोजिट फेस को सिलेक्ट करेंगे और इनर रिंग के भी दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ओके, प्लेन वाइट कर लेते हैं। ओके, अब इस बॉल को इसके अंदर फिक्स करने के लिए हम बॉल का फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबाएंगे, इनर रिंग का फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, मेट। ओके, और फिर से बॉल का राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबाएंगे, इनर रिंग का राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, चूज मेट। ओके, इसको हम ड्रैग कर लेंगे अंदर। और फिर से बॉल सिलेक्ट करेंगे, मेट, और इनर रिंग के इस फेस को सेट कर लेंगे। ओके, टेंजेंट रिलेशन में रहेगा, तो हम देख सकते हैं रोटेट करेगा। एक्चुअली इसके लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो आउटर रिंग को फिक्स कर लेते हैं। अब रोटेट कर सकता है इसके एक्सिस पे। स्केच को मेट करने के लिए इसके पहले हम कर लेते हैं व्यू एक्सिस को, तो इनको एक्सिस शो कर लेंगे। हम मेट में जाएंगे, इस एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और केज का छोटा सा एक्सिस दिख रहा होगा, जूम करेंगे तो दिख जाएगा।
ओके, मेट कोइंसिडेंस। अब फिर से मेट सिलेक्ट करेंगे। इस बार सिलेक्ट करेंगे बॉल के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और केज के इस फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, इनर फेस को। मेक कोसेंट्रिक। ओके, तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। क्या करेंगे इसको, इस साइड में हमें लाने के लिए कंपोनेंट में जाएंगे, मिरर करेंगे इसको, मिरर कंपोनेंट। ओके, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस पूरे बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये इस साइड में मिरर हो गया। और हमें इस बॉल को भी बनाना है चारों तरफ, तो इस बॉल को फिर से मिरर कर लेते हैं। नहीं, इस बार जाएंगे सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न सिलेक्ट करेंगे और इस बॉल को सिलेक्ट करेंगे, चयन कर लेंगे। ओके, एक्सिस सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये मेट हो गया। अब इसमें हम रिवेट लगाएंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे लाइब्रेरी में, डिजाइन लाइब्रेरी, टूल बॉक्स ओपन करेंगे। लाइब्रेरी में जाएंगे, टूल बॉक्स ओपन करेंगे, डाइन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे इसको। और इसमें पिंस दिख रहा है, ठीक है, पिन ओपन करते हैं। रिबेट्स ओपन करेंगे, डाइन 660 का रिबेट लेंगे और ड्रैग करेंगे इसमें। ओके, ड्रैग करने के बाद हम इसमें सेट करेंगे साइज नंबर 4 और लेंथ 12, मैक्स ग्रिप लेंथ 6 mm। ओके, एक रिवेट यहाँ पे लगाएंगे, कैंसिल कर लेंगे। ओके, चेक कर लेंगे दोनों साइड लग गया होगा। ओके, तो ये फिक्स हो गया। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब फिर से हम लीनियर कंपोनेंट में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर पैटर्न। इस रिवेट को सिलेक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट से रिवेट साथ। ओके, तो ये दोनों साइड फिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, हम टेम्पोरल एक्सिस हाइड कर लेंगे। पहले तो टेम्पोरल एक्सिस हाइड कर लेते हैं। अब जाएंगे अपीयरेंस में, ओपन करेंगे मेटल, कलर असाइन कर लेंगे। अब गोल्ड सिलेक्ट करते हैं, गोल्ड प्लेट कर लेते हैं इसको, बॉडी गोल्ड रहेगी। दोबारा से जाएंगे और इस फेस को भी गोल्डन कर लेंगे। ओके, और इस बॉल को हम कर लेते हैं स्टील। ओके, बैक करेंगे और जाएंगे पेंटेड में, जाएंगे पेंटेड ओपन करेंगे, कार ओपन कर लेंगे।
फिलेट में ब्लू कलर ले लेंगे दोनों साइड। इस फिलेट को सेट करेंगे, कॉपी अपीयरेंस का ऑप्शन आया कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट अपीयरेंस ओके। अब फिर से हम अपीयरेंस में जाएंगे और इस बार वाइट सिलेक्ट करेंगे। ओके और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस फेस पे। और इस फेस पे कलर देने के लिए अपीयरेंस में जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे इनका थोड़ा सा। रेड कलर को ड्रैग करेंगे फेस पे, ओके कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी अपीयरेंस। इसको इस फेस पे पेस्ट कर देंगे फेस, दोनों साइड कर लेंगे, इस साइड भी पेस्ट कर देंगे। फेस सेलेक्ट करेंगे तो फेस पे होगा, रिवॉल्व सेलेक्ट करेंगे तो पूरे बॉडी पे हो जाएगा, फेस पे ही करते हैं बस। ओके तो ये रोटेट हो रहा है, हो रहा है। अब क्या करेंगे, मोशन स्टडी में जाएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे हम मोटर सेलेक्ट करेंगे, रोटरी मोटर। यहाँ पे कंपोनेंट की डायरेक्शन को पूछ रहा है तो इसके लिए हम इसको एक्सिस पॉइंट सेट कर लेंगे। राइट डायरेक्शन में घूमेगा, इसको हम कर लेते हैं आरपीएम चेंज करके 70 आरपीएम। ओके और इस बॉडी को सेट कर लेते हैं। ओके प्ले करते हैं। इसको हम 3D एनिमेशन में करने के लिए सेव एनिमेशन में जाएंगे, सॉरी एनिमेशन चेंज करने के लिए एनिमेशन विजार्ड में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। वाई एक्सिस पे घूमेगा वन रोटेशन, यहाँ पे टाइम लिखेंगे जीरो, जीरो शो करना है और सेकंड फोर, तो 4 सेकंड तक घूमेगा फिनिश। ओके अब प्ले करेंगे। टेम्पोररी एक्सिस हाइड कर लेंगे। ओके अब प्ले कर लेते हैं बस। तो ये हमारा बाल बेयरिंग ओके हो गया, सेव कर लेंगे इसको।